देखिए आज फिर हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स में लेसन 3 में ही है। ये हमारा क्लास 6 है, वीडियो मेरा छठा बन रहा है। कौन में? पार्ट 3 में। इसमें हम लोग आज सीख रहे हैं न्यूटन का दूसरा गति का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम जल्दी याद भी नहीं होता है, लेकिन इसका याद करने का हम ट्रिक बताएंगे कैसे याद हो रहा है। ये जितना लिखा हुआ चीज है ना, उसको पहले नहीं समझना है, पहले आपको 2-3 लाइनें समझनी है। न्यूटन के दूसरा गति के नियम जो है वो संवेग में परिवर्तन के आधार पर है। तो हमने पहले बता दिया है कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे के वेग को हम संवेग कहते हैं। उसके लिए हमने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाया है, पहले यहाँ दिखाइए कि यदि अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान का है और उस पर हमने एक बल लगाया है, ध्यान से देखा जाए, अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस वो मैंने हम कह सकते हैं कि शुरू में उसका प्रारंभिक वेग जो है u है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है वो u वेग से चल रहा है, समझ रहा है, और उस पर हमने कोई एक बल लगा दिया, f बल लगा दिया, कोई बल क्या लगा दिया, f। तो कुछ समय बाद, मतलब मान लिया वो समय t है, t समय बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन उसका वेग में जरूर कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ बल लगाया है। अगर मान ली कि कोई 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा था, आपने कुछ धक्का दे दिया तो जरूर कुछ बदल जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो वही लिखा गया है कि अगर एम द्रव्यमान का कोई पिंड है और जिसपे जो पहले से कुछ वेग से चल रहा था, उसका प्रारंभिक वेग मैंने यू मान लिया, ठीक है। अब ये एफ बल जब इस पर लगाए तो यही द्रव्यमान वाला वस्तु का वेग जो है बदल के भी हो गया, ठीक है, कितना हो गया बदल के भी। तो जब प्रारंभिक में जो इसका द्रव्यमान और वेग था, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, बताया कि नहीं बताया। तो ये प्रारंभिक जब संवेग हम यहाँ निकालेंगे तो P1 बराबर mu होगा, द्रव्यमान गुणे की इसका वेग u है। अब t समय बाद जब यहाँ पर आ गया वस्तु, तो यहाँ पर P2 बार का संवेग जो निकालेंगे वो भी द्रव्यमान गुणे वेग होगा। तो ये m तो द्रव्यमान रही गया m, लेकिन वेग तो भी हो गया तो m भी हो गया। तो जब ये संवेग में बदलाव हो गया, अगर संवेग में बदलाव मतलब कि P1 से P2 हो गया, तो यहां पर एक बात याद रखनी है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कौन सी, P2 में से P1 घटाना है। अरे यहाँ 10 किलोमीटर पे थे और यहाँ 15 किलोमीटर पर है, अब परिवर्तन करें तो कितना किए, तो 15 में से 10 घटाते तो 5 परिवर्तन किए। तो वही बोल रहा है कि संवेग में परिवर्तन, पहले ये बात याद रखना है कि संवेग किसे कहते हैं, पहले ये दिखा दिया, परिवर्तन का मतलब दोनों का घटना, P2 माइनस P1, और परिवर्तन के दर, के दर का मतलब हो जाता है समय से भाग। ये देखो चिन्ह है समानुपाती का, ये किसी का चिन्ह है, समानुपाती कौन सी है, बल, ये बराबर फोर्स है, ये बल है। तो कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन के दर है वो उसके बल के समानुपाती होता है। इसी से याद करना है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस पे लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर आप ज्यादा बल लगाए हैं तो संवेग में परिवर्तन का दर भी ज्यादा है, कम लगाए हैं संवेग में परिवर्तन का दर भी आपका कम है। आरा बस सुन, तो जब भी आपको परिभाषा न्यूटन के दूसरे गति के नियम परिभाषा लिखना होगा तो आपको यही बात याद रखनी होगी, पहले से परिभाषा से ज्यादा ये याद रखना होगा कि संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। फिर से बोलो, संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। आ रहा है बात समझ में? अब यही चीज से हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं, रफ पर पहले हम लोग ऐसे सोच लेते हैं और उसी से परिभाषा लिख देते हैं रफ पर लिख के, समझ रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। जैसे आपने बल इधर से लगाया है तो परिवर्तन तो इधर तो नहीं ना होगा, देखिए उधर परिवर्तन होगा। वही बात बोल रहा है कि यह जो परिवर्तन जो होता है वो जिधर लगा रहे बल उसी के दिशा में होता है। तो एक बार और समझो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से और क्या मिलता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक का मतलब ए बराबर ए में प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है।
और कैसे होता है तो सारा चीज फिर से वही बात बताएंगे कि मान लिया कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है ना, ये चीज लिखा हुआ है ना वही पर है कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो चल रहा है प्रारंभिक वेग यू से, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक संवेग यहाँ पर पी1 बराबर एम यू होगा। जब उस पर हम एफ बल लगा दिए तो टी समय बाद एफ बल लगा दिए तो क्या हुआ, टी समय बाद उसका द्रव्यमान अगर एम ही है अब वेग बदल के भी हो गया तो यहाँ पर संवेग पी2 बराबर एम भी हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अब संवेग में परिवर्तन को लिख लेंगे तो पी2 माइनस पी1, तो हमने यही चीज यहाँ लिखने की कोशिश किया है कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग यू है, अतः प्रारंभिक संवेग पी1 बराबर एम यू, क्योंकि हमने आपको बताया है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे का वेग, तो पहला इसको मान लिए। उसी तरह से यदि वस्तु पर एफ बल आरोपित करने पर उसका वेग बदल कर भी हो जाता है टी समय बाद तो बाद का संवेग पी2 बराबर एम भी होगा, संवेग में परिवर्तन पी2 माइनस पी1, संवेग में परिवर्तन का दर अगर कोई कह दे तो पी2 माइनस पी1 बटा के टी, पी2 माइनस पी1 बटा के टी, दर का मतलब था समय से भाग। अब वहीं पर आ जाते हैं जो फिगर हमने समझाने के लिए कोशिश किया था पहले, एम द्रव्यमान का है यू वेग से चल रहा है, एफ लगाए हैं तो भी हो गया, यहाँ पी1 बराबर एम यू, पी2 बराबर एम भी, टी समय बाद, ठीक क्लियर है। अब यही चीज लिखेंगे दोबारा, चूंकि इसी का मदद लेके इसको लिखे हैं, लेकिन हम इसको अब दिमाग में वहां पर लिखेंगे न्यूटन के दूसरा गति के नियम के अनुसार एफ जो है समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के दर का, संवेग में परिवर्तन के दर का, तो पी2 माइनस पी1 बटा के टी का समानुपाती हो गया। अब P2 बराबर आपको निकाल कर रखे हैं एम भी रखे है ना, अब P1 बराबर एम यू ऐसे बिठा दिया, एम दोनों में से कॉमन निकाल दिया, भी माइनस यू बटा टी हो गया। आपको बताया है पहले ही ये क्या है, कौन सा है, वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण शुद्ध गतिकी के तीन समीकरण पढ़ाए हैं ना, उसमें भी बराबर यू प्लस एटी पहला था, तो उसी में से ई माइनस भी इधर आ गया भी माइनस यू और गुना में से भाग में गया ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, यही भी माइनस यू बटा टी को हमने ए के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, समझ रहा है, तो एफ प्रोपोर्शनल एम ए हो जाएगा, एम गुण ए हो गया, एफ प्रोपोर्शनल एम ए हो गया। अब प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती का चिन्ह है, उसको हटा के आप बराबर तब लगा सकते हैं जब एक के नीतांक या कॉन्स्टेंट देंगे, तो के एक नीतांक बैठा देंगे और जब के का मान अगर एक मान के चलेंगे जनरली तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए, मतलब कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे के त्वरण। इस तरह से न्यूटन के दूसरा गति के नियम भी हम लोग पढ़ लिए और न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसको हमने अभी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई कमी है आप इसको बोलिए कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना, लेकिन इसको बार बार वीडियो को रोक रोक के समझने की कोशिश किया जाए ताकि आपको दिमाग में आवे, ये नहीं कि आप खाली शिक्षक पर सब चीज़ छोड़ दीजिए, खुद से भी कोशिश कीजिए कि समझने का कि क्या यहाँ पर क्या है। जब नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, क्लास में पूछिए, ऑनलाइन भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं आप।